2 months back, I left my home and shifted in a tier 1 city, alone. You are so heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in a deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep. And you know that it's all that I need. So don't leave me alone. Mentally, physically, and emotionally, I'm not well. I'm suffering from depression, loneliness, and many more. Usually stay in an apartment where I have no friends, no one to talk to. I'm 21 years old and my health is in danger. ना तो मैं सही से जिम जा रहा हूँ, ना तो सही डाइट पे फोकस कर रहा हूँ. कुछ भी आ रहा है उसको ठूंसता जा रहा हूँ. एंड द रिजल्ट ऑफ इट, डाइजेशन प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज, एंड एक के बाद एक गोली खाते जाना. मेंटली एंड इमोशनली आई एम नॉट गुड. होम सिक फील होता है, बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है, कोई भी दोस्त नहीं है. इनफैक्ट नए दोस्त बनाने की शौक भी ख़त्म हो चुका है. एक क्रश थी जिसको प्रपोज करा था, वो भी मना कर दिया. सो फ्रॉम मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली एवरीवेयर आई एम डिस्ट्रॉयड. 12th फेल देखने के बाद माइंड में घुस गया था कोई लाइफ में लाइफ पार्टनर होनी चाहिए जो हमें सपोर्ट करे अपने कैरियर में. एंड इसी रीजन के लिए मैं उस क्रश के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इमोशन इन्वेस्ट कर दिया था. आई लव यू. अब जाओ, पलट दो दुनिया. एंड नाउ नॉट सी लव्स मी, नॉट आई एम लविंग माई सेल्फ. एजुकेशन वाइज स्कूल कॉलेज में अच्छा स्टूडेंट रहा हूँ, बट अभी बहुत ही ज़्यादा बिगड़ रहा है बिकॉज ऑफ माई मेंटल, फिजिकल, इमोशनल कंडीशन. सो कुछ भी हो जाए, आई कमिट माई सेल्फ टू मेक अ चेंज. अब तो खुद की बेटर वर्सन बनना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है. अगर मैं ऐसा ही रह जाऊँगा तो धीरे धीरे शायद लाइफ ख़त्म हो जाएगी या लाइफ और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनता जाएगा. सो एटलीस्ट हम खुद को बदलने का थोड़ा सा तो कोशिश कर ही सकते हैं. फ्रॉम टूडे आई चैलेंज माई सेल्फ टू बिकम माई बेस्ट वर्सन. And here are 5 major rules that I need to follow in every day. Number 1 is workout. Health को हम और taken as granted नहीं ले सकते. मेरा weight बहुत ही ज़्यादा कम है और अगर ऐसा ही रहेगा तो मुझे कोई पसंद नहीं करने वाला और in fact मैं खुद से ही खुद को नफरत करने लगूंगा. So week में 5 times workout is mandatory. Second rule is clean diet. अभी तक हम बहुत ज़्यादा junks ठूंसते आ रहे हैं. हम खुद को मॉडर्न या सो कॉल्ड स्टेटस दिखाने के चक्कर में अनहेल्थ दिखाना ठूंसते जा रहे हैं एंड खुद की हेल्थ को डेंजर लाइन में ला रहे हैं. सो हम होम कुक फूड खाएंगे एंड एक हेल्दी वेट गेन डाइट में फोकस करेंगे. थर्ड रूल इज मेडिटेशन एंड प्राणायाम. गाइस, हेल्थ जितना इम्पोर्टेंट है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपना माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना. एंड हम पर डे 10-20 मिनट्स मेडिटेशन करने वाले हैं, अपने माइंड को ट्रेन करने वाले हैं. इट कुड बी इन मॉर्निंग और इवन बिफोर गोइंग टू द बेड, बट आई शुड डू दिस इन एवरी डे. तलवार की अगर शार्पनेस चली जाए तो वो तलवार किसी काम की नहीं होती, इसलिए हम तलवार को धार करेंगे, उसके बाद हम नॉलेज को पुट ऑन करेंगे. फोर्थ रूल इज बुक रीडिंग. इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा फेल हुआ हूँ. हर बार मैं एक बुक को पिक करता हूँ पढ़ने के लिए, कुछ टाइम तक पढ़ता हूँ एंड कंप्लीट नहीं करता हूँ. इस प्रॉब्लम को मैं और नहीं बढ़ाना चाहता एंड इस चैलेंज में मैं इसको इम्प्रूव करूँगा. हर रोज एटलीस्ट 5 पेज तो पढ़ना ही है. आप कोई भी काम करो बट अपने माइंड को सही इंफॉर्मेशन देना, सही थिंकिंग में लाना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. मेडिटेशन करके हम अपने माइंड की शार्पनेस बढ़ाए थे, अब राइट थिंकिंग को पुट ऑन करेंगे अपने माइंड में. सो हम बुक पढ़ेंगे लाइक एटॉमिक हैबिट्स, थिंक एंड ग्रो रिच, डीप वर्क, इस टाइप की अच्छी अच्छी बुक हम पढ़ेंगे. और ऑथर अपने पूरी ज़िंदगी लगा देती है एक बुक को लिखने के लिए, तो हम उनकी ज़िंदगी की सारे लेसन्स को एक ही बुक में पढ़ने का जो अपॉर्चुनिटी है उसको मिस नहीं करना चाहेंगे एंड इस अपॉर्चुनिटी को हम ग्रैब करेंगे. फिफ्थ एंड फाइनल रूल ऑफ माई सेल्फ इम्प्रूवमेंट जर्नी इज वर्क ऑन माई पैशन. दोस्तों, जिंदगी को जीने के लिए और जिंदगी में खुश रहने के लिए अपने पैशन को जिंदा रखना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है. हम सबको पैसा कमाना है पर हम पैशन से पैसा कमा नहीं पाते हैं.
बट हम अगर उस पैशन को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, हम पैशन में काम करते करते वर्ल्ड के टॉप 1% में अगर आ पाएंगे, तभी हम बड़ा कुछ फोड़ पाएंगे। इसलिए हर रोज 1 से 2 घंटा देना अपने पैशन को इम्प्रूव करने के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड फॉर मी इट्स यूट्यूब, इट्स कॉन्टेंट क्रिएशन एंड समटाइम्स इट्स सिंगिंग। आप अभी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, आप अभी कोई एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, और इवन आप स्टूडेंट हो, आप इनमें से कोई भी कैटेगरी में हो, आप अपने बेटर वर्जन को निकाल पाओगे इस प्रोसेस के थ्रू। हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे एक दूसरे को सपोर्ट करके, एंड अपना बेटर वर्जन बनेंगे, और 1 और 2 साल के अंदर ही अपना ड्रीम को फुलफिल करेंगे। जिस लड़की तुम्हारी प्यार को अभी इज्जत नहीं दे रही है, जिस दोस्त ने तुम्हें टेकन एज ग्रांटेड लेकर रखा है, जिस क्लासरूम में तुम कोने में बैठते हो, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जब भी आप कोई क्वेश्चन करते हो आप फूल लगते हो, आपकी इंग्लिश अच्छी से आती नहीं है, तो यही सिचुएशन है राइट टाइम में अपने ऊपर काम करने के लिए। एंड हम हर रोज काम करते करते अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे, एंड उस चीज को हम डॉक्यूमेंट करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम में जरूर टैग करना एंड अपने प्रोग्रेस को दिखाना। मैं हर रोज अपने रील डालने की कोशिश करूंगा, एंड इंस्टाग्राम में मैं स्टोरीज के फॉर्मेट में दिखाऊंगा कि मेरा प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। सो मैं अकाउंटेबल बन रहा हूँ, तो आप भी मेरे साथ ज्वाइन जरूर कीजिए। मेरे सोशल मीडिया हैंडल को जरूर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का हैंडल आपको मिल जाएगा। यूट्यूब में अगर आप मेरे वीडियोस यहाँ पे देख रहे हो, तो आप कमेंट में लिखना कि आप क्यों अपना बेटर वर्जन बनना चाहते हो, आप कौन से प्रॉब्लम को अभी फेस कर रहे हो। एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियोस लाते रहेंगे। जो जो मेरे जैसा ही इस सिचुएशन में गुजर रहे हैं, उन सबके हाथ पकड़ूंगा एंड उनको एक अच्छी दिशा दिखाऊंगा, ये मेरी तरफ से वादा है आप सबको। सो मिलते हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट सफर के फर्स्ट डे में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ऐसी वीडियोस के लिए, और इंस्टाग्राम में फॉलो करना शॉर्ट्स मोटिवेशन के लिए। हम वहाँ पे डेली शॉर्ट्स बनाएंगे और आपको अल्टीमेटली मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, सो दैट आप भी इस चैलेंज में मोटिवेट रह पाओ। सो मिलते हैं फर्स्ट डे में।